साथियों, आज हम लोग धान की नर्सरी डालते समय कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए इसके संदर्भ में चर्चा करेंगे। आजकल धान की नर्सरी डालने का समय चल रहा है, तो धान की नर्सरी डालते समय कौन कौन सी सावधानियां बरतनी हैं उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। धान की नर्सरी जो हमारी बहुत ज़्यादा लंबे समय वाली प्रजातियां हैं, 170-175 दिन जो समय लेती हैं, उन प्रजातियों के धान की नर्सरी 15 मई से डालना शुरू कर देते हैं किसान भाई। लेकिन इसी के साथ में कुछ किसान भाई वो देखे कि बगल वाले किसान ने नर्सरी डाल दिया है, उसको देखकर वो भी नर्सरी डाल देते हैं। उनको ये नहीं ध्यान देते कि हम कौन सी प्रजाति लगा रहे हैं और किस प्रजाति का लगाने का कौन सा समय है। तो पहले तो इस पर हमको ध्यान देना है कि हमको कौन सी प्रजाति लगा रहे हैं, कौन सी प्रजाति का धान हमको रोपाई करना है और वो कितने दिन की है, उसकी अवधि है कितने दिन में वो पककर तैयार होता है। अगर 160-170 दिन वाली प्रजाति है, 75 दिन वाली, तो उसको नर्सरी हम जैसे MTU 70-29 है या इससे मिलती जुलती प्रजातियाँ हैं, इसकी नर्सरी हम 15 मई से डालना प्रारंभ कर देते हैं, 15 से 25 मई के बीच में। फिर जो 150 दिन के लगभग जो समय लेती हैं उनकी नर्सरी 15 मई से 5 जून तक डालते हैं। जो 135 दिन 140 दिन की प्रजातियां हैं उसको हम 1 जून से लेकर 10 जून के बीच में उनकी मतलब नर्सरी डालते हैं। जो 120 दिन या उससे कम दिन की प्रजातियां हैं उनकी नर्सरी 15 जून से बाद में 25 जून तक हम लोग उसको डाल देते हैं और समय से रोपाई करते हैं। लेकिन इसी के बीच में कुछ हमारी जो सुगंधित प्रजातियां हैं उनकी नर्सरी के डालने के समय के संदर्भ में हमारे किसान भाई थोड़ा सा कंफ्यूज रहते हैं, उसको नहीं समझ पाते कि इसको कब डालना है। तो उसके लिए आप हमेशा ध्यान दीजिए कि उसकी नर्सरी आपको बाद में डालना है, जिससे हमारी जब फसल में बालियां उस समय निकलें, फूल उस समय आवे जब वर्षा ऋतु खत्म हो जाए और हल्का सा हल्की हल्की सी ठंड शुरू होने लगे, उस समय जब एरोमा बनता है तो उसमें धान में खुशबू आती है। तो इसके लिए जो भी हमारी सुगंधित प्रजातियां हैं उनकी नर्सरी हमेशा 25 जून से 10 जुलाई के बीच में डालते हैं, थोड़ा लेट में रोपाई करते हैं और देर में ही उसकी कटाई होती है, तब उसमें खुशबू बनी रहती है। अब बात यह आती है कि कुछ किसान भाई कहते हैं भाई हम थोड़ा जल्दी बुआई कर देते हैं सर, हम जल्दी कटाई कर लेंगे। तो ऐसा नहीं होता। अगर आप कम समय वाली प्रजातियों की नर्सरी पहले डाल देंगे और उनकी रोपाई में अगर आप मान लीजिए वर्षा देर में हुई, आप रोपाई देर में करते हो, तो उसमें जो है बाढ़ और जो उसका विकास है, कल्ले निकलने का समय है, वो निकल जाता है, कल्ले कम निकलते हैं और बालियां जो है वर्षा ऋतु में ही आ जाती हैं, फसल तैयार हो जाती है सितंबर के लास्ट तक और फसल जो है आप कटने योग्य हो जाती है, लेकिन वर्षा होने के कारण आप समय से काट नहीं पाते हो। तो एक तो इस पे ध्यान देना है। दूसरी बात पे हमको विशेष ध्यान देना है कि जो हमारे बीज जनित रोग हैं, बीज जनित रोग में जो हमारे फाल्स स्मट है, जिसको पूर्वांचल में अनेक नामों से जानते हैं कि बाल दाने की जगह पे मटर की जैसे पीले पीले सुनहले रंग के गोले बन जाते हैं, गोलियां बन जाती हैं, तो उसमें जो है उसका बहुत बड़ी समस्या है। उसके नियंत्रण के लिए हमको जो हमारी रिसर्च के नाम से तमाम कंपनियों के बीज उपलब्ध हैं उनको हमको छोड़ना पड़ेगा। जो पंजीकृत हमारी जो रजिस्टर्ड प्रजातियाँ हैं, जो जिसमें टैग जिसके लगते हैं, जो भी उत्तर प्रदेश राज्य बीज प्रमाणीकरण संस्था द्वारा प्रमाणित प्रजातियां हैं उनके बीज हैं, उनको जो है उनका बीज उत्पादन करें और बीज नर्सरी डालने से पहले बीज उपचार अवश्य कर लें, बीज उपचार कर लें, बीज शोधन जरूर कर लें। इसमें क्या करते हैं कि पहले हम लोग जो खरीदते हैं तो उसमें कोई ना कोई कीटनाशक या कोई रसायन पड़ा रहता है, किसान भाई समझते हैं कि इसमें जो है सब बीज उपचार इसका हुआ है, लेकिन वो जो है ज़्यादातर उसमें जो है बीज उपचार और बीज शोधन नहीं हुआ रहता है। तो हमको क्या करना है कि जब हम बीज को जो है नर्सरी की डालने से पहले बीज को भिगोते हैं 24 घंटे पानी में, तो उस जिस पानी में भिगोते हैं उसी पानी में हमको दवा में मिला देनी चाहिए। कौन सी दवा मिलानी है,
2 ग्राम कार्बेंडाजिम, जिसको वोवेस्टीन के नाम से भी जानते हैं, 2 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोल बनाते हैं और उसी घोल में धान के बीज को भिगो देते हैं 24 घंटे, और उसके बाद निकालकर छायादार स्थान में रख देते हैं। अगर जूट की बोरी में है तो बोरी सहित ही रख देते हैं, और ऊपर से थोड़ा सा बोरी न सूखने पावे नमी बनाए रखते हैं, उसी में बीज जम जाता है। और अगर प्लास्टिक की बोरी में है तो उसको बोरी को खोल के उसको हम छायादार स्थान पर ढेर बना देते हैं, जिससे जो है बीज अंकुरित हो जाता है, और 48 घंटे के बाद जब अंकुरण निकल आता है तो हम बीज की बुआई कर देते हैं उसी समय। अब लोग ये सोचते हैं कितना पानी लगेगा, तो साधारणता से देखा जाता है कि 1 किलोग्राम बीज के लिए लगभग 2 लीटर पानी हम लोग प्रयोग करते हैं, और 100 लीटर पानी में अगर स्ट्रेप्टोसाइक्लिन 6 ग्राम की 1 पाउच जो है मिला दें, तो जो हमारे बीज जनित रोग हैं, जैसे जो जीवाणु झुलसा है, उसमें से नियंत्रण हो जाएगा। अगर हम इस तरह से बीज उपचार बीज शोधन कर देते हैं, तो जो भी हमारे बीज जनित बीमारियाँ हैं, आपका फाल्स स्मट है, झूठा कड़ुआ, जिसमें भी हम बता रहे थे दाने पड़ जाते हैं, आपका जो झुलसा रोग है, और जो भी बीज जनित रोग धान में लगते हैं, उससे सबसे हमारी बचत रहेगी, हमारी फसल स्वस्थ रहेगी, नर्सरी स्वस्थ रहेगी, और निरोग नर्सरी निरोग फसल किसान के जो है समृद्धि का आधार है। इसलिए जो है इसको जो है ध्यान दें, और इसमें जो है जो स्वस्थ अगर बीज रहेंगे, स्वस्थ नर्सरी रहेगी, स्वस्थ फसल रहेगी, तो ज़्यादा से ज़्यादा हम उपज प्राप्त कर लेंगे, और उसी उपज के आधार से अच्छा हम लाभ प्राप्त करेंगे। और जो दवाओं के रूप में हम खड़ी फसल में बीमारियां लग जाती हैं, तो उसमें हमको ज़्यादा दवाएं किलोग्राम में दवाएं डालनी पड़ती हैं, वो हमको ग्राम में दवाओं को प्रयोग करके कम लागत में ही बहुत आसानी से रोग नियंत्रण कर लेते हैं। इसी के साथ जो है हम आज अपनी इसको आज के इस यूट्यूब चैनल पर ये संदेश जो हम देना चाह रहे थे इसको विराम दे रहे हैं। और जो ये चैनल आप लोग देख रहे हैं किसान भाई, अगर आपको इसमें बात समझ में आ रही हो, बात पसंद आ रही हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, इसको लाइक कर दें, जिससे आगे जो आपको कृषि से संबंधित जो भी हमारे इस चैनल के माध्यम से जो भी वीडियो डाले जा रहे हैं, सारे का लाभ आप उठा सकें। धन्यवाद।